दंगल गर्ल फातिमा से अटेयर को लेकर बोले अपाशक्ति मुझे अफवाहों से नहीं पड़ता फर्क। बतौर आरजे और एंकर अपने करियर की शुरुआत करने वाले अपाशक्ति खुराना ने धीरे धीरे बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अपाशक्ति सबसे पहले बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दंगल में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान भी थे। अपाशक्ति खुराना बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना के भाई हैं। अपाशक्ति का नाम इन दिनों फिल्म दंगल में उनकी सह कलाकार रह चुकी फातिमा सना शेख से जोड़ा जा रहा है। हालांकि बता दें अपाशक्ति की शादी हो चुकी है। जब एक इंटरव्यू में अपाशक्ति से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मैगहर्ट्स अफवाहें हैं। उन्होंने आगे कहा कि साइया मल्होत्रा और फातिमा मेरी पत्नी आकृति आहूजा के भी इतने ही करीब हैं कि वे हमारे रिश्ते को बखूबी समझ सके। अपाशक्ति से जब फातिमा के साथ वापस काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, आने वाले 2 महीनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और इन सब बातों का निर्णय दर्शकों को करना है। वैसे बात दे अपाशक्ति फिलहाल कार्तिक आर्यन और कृति स्टारर फिल्म लुका छिपी में काम कर रहे हैं। अपाशक्ति ने कहा कि इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम अब्बास है, जिसके पास हर समस्या का हल होता है। कृति और कार्तिक इस पर बहुत विश्वास करते हैं। अपाशक्ति के लिए यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। इस महीने उनकी 3 फिल्में रिलीज होने तो तैयार हैं। हैप्पी फिर भाग जाएगी जो कि 24 अगस्त को रिलीज होगी। इसके बाद 31 अगस्त को फिल्म स्त्री रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ राजकुमार राव श्रद्धा कपूर नजर आएंगे। इसके साथ इसी दिन उनकी एक और फिल्म राजमा चावल भी रिलीज होगी।